तो इस साल काफी ज्यादा गर्मियां आ गई है और ऐसे तपती गर्मियों में आपको अपने बर्ड्स को थोड़ा सा बचाना पड़ेगा, वरना आपके बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है। छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जिनको हम निगलेक्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से हमारे बर्ड्स की डेथ हो जाती है। तो वही पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने बर्ड्स को इस गर्मियों में बचा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से फूड आपको अवॉइड करने हैं इस गर्मियों में। तो सबसे पहले तो आपको बाजरा अपने बर्ड्स को देना अवॉइड ही कर देना है, बंद ही कर देना है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स की डेथ हो सकती है, क्योंकि बाजरा काफ़ी गर्म रहता है और उसको आप अपने बर्ड्स को दोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हो, इसमें इस कबूतर ओनर इसको बाजरा खिला देते और इसकी वजह से इसके चेहरे पर मस्से आ गए हैं। तो आपको बाजरा पूरा अवॉइड ही कर देना है, उसको आपको अपने बर्ड्स को नहीं देना। और सेकेंड चीज़, आपको पालक देना नहीं है अपने बर्ड्स को। पालक वैसे तो काफ़ी न्यूट्रिएंट से भरा रहता है बट वो थोड़ा गर्म रहता है, तो उसके वजह से आपको अपने बर्ड्स को पालक देना बंद कर देना है। और थर्ड चीज़, आपको सनफ्लावर सीड्स अपने बर्ड्स को देना बंद कर देना है, क्योंकि वो भी गर्म रहते हैं और उनको आप अपने बर्ड्स को खिलाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अंदर से बर्ड गर्म हो जाएगा और बाहर से भी गर्मी लगेगी, तो बर्ड्स की डेथ होनी ही होनी है। तो इसी वजह से आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और फोर्थ चीज़, एक एग आप देते हो, बॉयल्ड एग आप देते हो, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है आपके बर्ड्स के लिए, बट वो भी गर्म रहता है। एग आपको पता है काफ़ी गर्म रहता है, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। ये चार चीज़ें आपको अवॉइड कर देना है, मतलब देना बंद ही कर देना है। और जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होती है या आप कंटिन्यू कर सकते हो। सर्दियों में ये काफ़ी अच्छी रहती है चीज़ें, बट गर्मियों में इसको आपको अवॉइड कर देना है। और अभी मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने बर्ड्स को फीड करना है। तो सबसे पहले तो आपको कोरिएंडर देना है, जो धनिया रहता है उसको आपको अच्छे से धोना है, क्योंकि उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़का रहता है फार्मर्स लोग ने, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बर्ड्स के चिक्स मर सकते हैं। बर्ड्स तो झेल लेंगे लेकिन चिक्स झेल नहीं पाएंगे पेस्टिसाइड को, तो इसी वजह से आपको अच्छे से धोना है और उसके बाद ही देना है। क्यूकम्बर देना है, अच्छे से छील कर उसको बारीक कर कर आपको क्यूकम्बर प्रोवाइड करना है, वो भी आपके बर्ड्स को काफ़ी अच्छे से ठंडा रखेगा और उससे काफ़ी आपके बर्ड्स को राहत मिलेगी। तो उसके साथ ही आप मेथी भी दे सकते हो, लेकिन काफ़ी कम क्वांटिटी में देना है आपको मेथी। तो काफ़ी लोगों की कंप्लेंट आती है कि उनके बर्ड्स मेथी नहीं खाते या फिर धनिया नहीं खाते, तो आप देख सकते हो मेरे बर्ड्स काफ़ी मज़े से खाते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक दिन उनको थोड़ा सा भूखा रखो, उसके बाद धनिया प्रोवाइड करो, तो तब उनको भूख के मारे खाना ही पड़ेगा, और एक बार उनको टेस्ट लग गया तो वो फिर से खाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे करके आप उनको खिला सकते हो। इसी ट्रिक को यूज़ करके आप अपने बर्ड्स को बाजरा भी खिला सकते हो। बाजरा काफ़ी सस्ता मिलता है और उससे काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं आपको, आपके बर्ड्स को, बट वो आपको गर्मियों में फुल्ली अवॉइड कर देना है। आप सर्दियों में दो और बारिश के मौसम में भी आप बाजरा प्रोवाइड कर सकते हो, बट गर्मियों में बाजरा फुल्ली अवॉइड कर देना है। तो गर्मियों में आपको अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स पर रखना है, मतलब सीड्स पर थोड़ा कम रखना है, क्योंकि सीड्स से थोड़ी गर्मी ज़्यादा मिलती है। तो ऐसे में आप लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हो और क्यूकम्बर भी दे सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया। पानी में ORS मिक्स करके दे सकते हो आपके बर्ड्स को, उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। और उसकी क्वांटिटी होती है ना, वो थोड़ा कम देना है। आप YouTube पर सर्च मारोगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और कौन सा ORS देना है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ हर रोज़ करना है, फिर 12 बजे से शाम के 4-5 बजे तक काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है अभी, तो इस टाइम पर आपको 2 से 3 बार आपके बर्ड्स के ऊपर पानी स्प्रे करना है, जिससे आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और ऐसे में आपके बर्ड्स बचे रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको हर रोज़ कंपलसरी करना है, जिससे आपके बर्ड्स बचे रहते हैं। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे से मैं आप ध्यान में रखूँगा कि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ। मेरा ऑफिस रहता है, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आता है, साथ ही साथ मुझे स्टडी भी करनी रहती है, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।